हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो बना रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या कॉस्ट लगेगी अगर आप अमेज़ॉन पे .com पे अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या ई बे पे कर रहे हैं या इट्सी पे कर रहे हैं या किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट पे कर रहे हैं। तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं कि सर ये कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एक वन टाइम सेटअप करने का क्या, रजिस्ट्रेशन जो भी गवर्नमेंट फीस है या जो भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हैं उनका क्या कॉस्ट है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट है और उसके क्या क्या एक अप्रॉक्स कॉस्ट मैं आपको बताता हूँ कि कितनी लगेगी। ये कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, जो मैंडेटरी गवर्नमेंट फी है बस वही है। और अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट किसी एजेंट के थ्रू अगर आप करवा रहे हैं तो एजेंट कुछ कमीशन लेते हैं नॉर्मली, तो वो है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईसी कोड की गवर्नमेंट फ़ी 500 रुपीज़ है। आप DGFT की वेबसाइट पर जाकर आईसी कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं खुद ऑनलाइन, विद इन 24 आवर्स में आपको आईसी कोड मिल जाएगा। 500 रुपये सिर्फ ऑनलाइन आपको पे करने हैं। और अगर आप किसी एजेंट के पास जाएंगे तो फिर वो 500 या 1000 रुपये ऊपर से लेगा, वो भी वही करेगा। सिंपल प्रोसेस है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है एडी कोड। तो अगर आप बैंक से एडी कोड लेते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है, बैंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडी कोड देगा, ठीक है, तो ये फ्री है। सेकेंडली, आपको कस्टम में वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपने KYC, तो उसमें कोई ऐसा चार्ज नहीं होता है, बट आपको ये डायरेक्टली तो आप थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप एजेंट के थ्रू ही करवाते हैं नॉर्मली, तो वो लोग 1500 से 2000 रुपये के आसपास आपसे लेते हैं। तो ये एक कॉस्ट हो गई। आप एक्सपोर्ट करेंगे LUT में तो LUT की कोई कॉस्ट नहीं है, आप अपने GST पोर्टल में जाके डायरेक्टली LUT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल वीडियो बताया हुआ है, आप वो देख लीजिए और अप्लाई कर लीजिए LUT विद इन। आपका एप्लीकेशन सर्टिफिकेट जो है विद इन 24 आवर्स में आ जाता है LUT का, और एक महीने में आपका अप्रूव डॉक्यूमेंट आ जाता है। तो वो एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे उसके थ्रू भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई कॉस्ट नहीं। तीसरा, आपका करंट अकाउंट होना चाहिए। करंट अकाउंट खोलने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता, सब फ्री है, बट नॉर्मली वो लोग डिपॉजिट लेते हैं, कुछ बैंक 10,000 लेते हैं, कुछ में कुछ प्रीमियम अकाउंट सर्विस होती है तो 20,000-30,000 होती है, तो ये रिफंडेबल होता है। आप क्लोज करेंगे तो ये मतलब ये रिफंडेबल भी क्या, मतलब आपका अकाउंट बैलेंस आपको 10,000 रखना होता है तो वो एज आपसे चेक लेते हैं, तो एक ये चीज़ हो गई। इसके अलावा आप किसी कुरियर कंपनी या इंडिया पोस्ट के थ्रू अगर कुरियर करते हैं तो ये तो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी। जब तक आप कुरियर नहीं करेंगे, जब शिपिंग नहीं करेंगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा। किसी प्राइवेट कंपनी में आप अगर कुरियर कंपनी में अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके भी कोई चार्ज नहीं होते। कुछ कंपनियां सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती हैं, यही 10,000 के करीब, 10,000-20,000, क्योंकि उनका ये रहता है कि जो भी वो मंथली बिलिंग करेंगे तो जो भी बिल जनरेट होगा वो मंथ में एंड में आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट दिया रहता है, तो आप वैसे पे कर दीजिए। आप नहीं पे करेंगे तो इसलिए वो एक डिपॉजिट रखते हैं। अब अकाउंट क्लोज कराएंगे तो वो रिफंड कर देंगे, तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। तो अभी जो जो चार्जेस मैंने बताए सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ईबे में अगर आप कर रहे हैं तो ईबे ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर ऑर्डर आता है तब वो कमीशन काटेगा और तब आपका जो भी पेमेंट है तब कटेगा, नहीं तो ईबे में अकाउंट खोलना फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकेंडली, इट्सी का मैंने बताया था, इट्सी में भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें लिस्टिंग के लगते हैं $0.20, 15 से 16 रुपये लगते हैं एक प्रोडक्ट लिस्टिंग के, तो आप 10 करेंगे तो 150-200 रुपये लगेंगे, जो 4 महीने के लिए वैलिड होता है। प्लस amazon.com, सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है, amazon.com $39 चार्ज करता है, तो वो मंथली चार्ज करता है, तो अगर वहाँ पे आप अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हर महीने लोगों के क्रेडिट कार्ड से $39 कटते जाते हैं। तो उसका एक ऑप्शन भी है, आप चाहते हैं कि $39 आपके ना कटें और आपका amazon.com चलता रहे और आप सेल भी करते रहें, तो नीचे कमेंट में डालिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में आप डालिए तो मैं एक नेक्स्ट डिटेल वीडियो उस पर बना दूंगा। तो आपका amazon.com अकाउंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने .com अकाउंट खोल लिया है, उस पर अभी वो सेल नहीं कर रहे हैं, एक दो प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दिए, ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे हैं, बट हर महीने वो $39 ऑलमोस्ट 2800 रुपये, 2800 रुपीज़ के आसपास होता है, 2700-2800, तो उसे पे कर रहे हैं। तो इसको, इससे बचने के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो वो चार्ज भी आपके नहीं लगेंगे, आपका अकाउंट चलता रहेगा, ऑर्डर्स आते रहेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। प्लस जो और एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन है वो सब ऐसे ही है कि मतलब अब जैसे शिपिंग है तो ऑर्डर आएगा तभी आपको शिपिंग पे करनी है, रजिस्ट्रेशन उन सबका कोई चार्ज नहीं है। प्लस कमर्शियल इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सब आपको बनाने, ये इसमें कुछ नहीं है। डिक्लेरेशन है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कुछ भी नहीं है। तो मोटा मोटा अगर मैं प्राइस एक समराइज़ कर देता हूँ क्या क्या हुआ, आईसी कोड का 500-1000 के आसपास मान लीजिए एजेंट फी अगर इंक्लूड करते हैं वो हो गया, और एक एडी कोड वाला जो मैंने कस्टम रजिस्ट्रेशन बताया था वो हो गया आपका 2-3 हज़ार रुपये। तो ये 3-4 हज़ार रुपये में आप बिल्कुल रेडी हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए। प्रोडक्ट कैसे लाने हैं मैंने आपको बताया था, लोकली आप सोर्स कर लीजिए, कुछ 10-15 प्रोडक्ट उठा लीजिए, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट उठा लीजिए, लिस्ट कर दीजिए, फोटो डाल के चालू हो जाएगा काम, ठीक है। टैक्स आपको देना नहीं है इसमें, एक्सपोर्ट अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं तो टैक्स आप पे करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, विदाउट टैक्स पे करे भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। पूरा प्रोसेस बताए हुए हैं मैंने वीडियोज़ में, आप उसे देख लीजिए।
तो चलो फ्रेंड्स, अभी ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ। एक छोटा सा वीडियो था, बहुत सारे लोगों को डाउट था, जो भी नए एक्सपोर्टर थे उनको पूछना था कि हम एक्सपोर्ट बिजनेस में आए या ना आए, क्या कॉस्ट लगेगी, क्या लगेगा। सेकेंडली, बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे हैं जो एक्सपोर्ट ट्रेनर से वो बोलते हैं आरसीएमसी आपको कंपलसरी है लेना। तो अगर आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में जा रहे हैं तो आरसीएमसी कोई ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप एक बड़े एक्सपोर्टर बन जाएंगे, कुछ बल्क में करेंगे, तब आपको जो बेनिफिट्स लेने हैं गवर्नमेंट के, तब आप लीजिएगा। अभी स्टार्टिंग में आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आरसीएमसी या कहीं पर भी आप जाते हैं तो ये भी जितने भी एक्सपोर्ट काउंसिल्स हैं उनकी मेंबरशिप है, साल की 8,000 है, किसी की 10,000 है। तो इस जैसे फीओ की है तो 8,500 रुपये है, अपेडा की है वो 5,000-6,000 के लगभग है। तो इस तरह की फीस है, बट वो आपको अभी रिक्वायर्ड नहीं है। आप एज अ ई कॉमर्स एक्सपोर्टर है तो उसमें ये सब कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ना कोई ये कंपलसरी है, ये सब ऑप्शनल होते हैं, क्योंकि वो लोग आपको फिर सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं एक्सपोर्ट करने में। बट ई कॉमर्स के लिए अभी ज़्यादा मेरे ख्याल से तो उनके पास ऐसा कोई ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं है, वो सब बल्क एक्सपोर्ट में ही है ज़्यादातर, वो एग्जीबिशन और ये सारी चीज़ें, इन्वाइट्स, वो सब भेजते रहते हैं, तो वो एक ऑप्शन है। तो चलो फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।